हाय वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट. मैं जोगेश्वरी वेस्ट में हूँ, मुंबई में. एंड टुडे वी आर कवरिंग द हामी फिश एक्वेरियम शॉप. और यहाँ पर फिश के अलावा यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ एक्सोटिक बर्ड्स एज वेल. आइए मिलते हैं रुमान भाई से. अस्सलाम वालेकुम रुमान भाई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रुमान भाई. इस वीडियो में हम वी विल गेट टू सी द रेगुलर फिश दैट यू हैव एज आल्सो एक्सोटिक बर्ड्स, राइट? यस. कितने यानी व्हाट ऑल एक्सोटिक बर्ड्स यू हैव? एक्सोटिक बर्ड्स में मेरे पास अभी सनकनूर है. सनकनूर का टेल, सनकनूर है हैंड फीड वाले, बट अभी जो मेरे पास सनकनूर है वो 40 डेज तक हैंड फीड करना पड़ेगा, वो सेल पे आ जाएगा. फिर तो बच्चे है अभी? बच्चे बोले तो 60 डेज है. 60 डेज के. ओके. और पाइनएप्पल कनूर का है, उसको टू मंथ्स हैंड फीड करना पड़ेगा. वो हैंड फीड करके आप जैसे उसको टेम करना चाहते हो ऐसा टेम कर सकते हो. तो अपने पास वो फीडिंग फार्मूला वो सब है ना? फीडिंग फार्मूला है मेरे पास, पेट लाइफ है, A19 का है. ठीक है, ये पेट लाइफ है. हम बताएंगे रुमान भाई, लेट्स स्टार्ट विद द फिश. पहले है वैसे इनके पास सारा फीडिंग फार्मूला है, बट लेट्स स्टार्ट विद द फिश और प्राइसेस बता देंगे हम. आप होलसेल भी करते हो, रिटेल भी करते? नहीं, मेरा रिटेल है, बट कैसे दर्जन के हिसाब से लेके तो होलसेल रेट से आएगा. अगर पैर जोड़ी के हिसाब से लेके तो रिटेल आएगा. ठीक है. अब ये चिसलेट वैरायटी है, ये सारे मिक्स है. इसमें बनाना चिसलेट है, फाइव कलर है, ये सब 200 रुपीज पैर है. जी रुमान भाई, सबसे पहले सीक्रेट वैरायटी है, कौन कौन सी सीक्रेट है इसमें बताओगे आप? सीक्रेट इसमें बनाना सीक्रेट है, फाइव कलर है, ऑरेटस है, बाकी सब मिक्स में है. ये बनाना है? ये बनाना है. कितने का आएगा ये सीक्रेट? जो कोई भी लो सब 200 पैर है, ये सब इम्पोर्ट वाले है. ये फाइव कलर है, ये फाइव कलर सीक्रेट है. 200 रुपीज पैर. Anything, even if you get banana cichlid, it's 200 rupees per pair. Banana cichlid, 200 rupees per. So, कोई भी cichlid जोड़ी ले लो, 200 रुपए retail price है. 200 रुपए retail price है. अगर ज़्यादा लेते हो, ज़्यादा सी बात है. तो वो dozen की सबसे लेंगे, तो फिर वो wholesale rate से मिल जाएगा. ठीक है, cichlid में बड़ा भी है हमारे पास. Cichlid में बड़ा है. सिंगल 250 का है, पैर लेके तो 450 का है, बट ये डजन लेके तो डजन के रेट से आएगा. और ये रेड पैरेट है, रेड पैरेट 650 पैर है. 650 रुपीज पर पैर. 650 रुपए का रेड पैरेट है और बड़ा वाला सिंगलेट इसमें क्या 450. बड़ा वाला सिंगलेट जो है वो 450 पैर है. 450. हाँ, दर्जन लेके तो होलसेल रेट से आएगा. ठीक है. अपने पास कैटफिश भी है नीचे, वो कितने? ये रेडसेल कैटफिश है, 450 रुपीज़ पर पीस है. 450 रुपये पर पीस. इससे वेरी एग्रेसिव फिश है. वेरी एग्रेसिव है. ये अराउंड 4 इंच है. रुमान भाई, ये जो हमने जो सैंड डाला है ब्लैक सैंड, ये नॉर्मल वाला है कि एडीए वाला है क्या? नहीं, एडीए वाला नहीं, नॉर्मल ये ब्लैक सैंड है. ये एक्वेरियम का ब्लैक सैंड है. हाँ, ये प्लांटेशन सैंड नहीं है. प्लांटेशन नहीं है. कितने का आया है ये? 60 रुपीज पर केजी. 60 रुपये पर केजी. हाँ, ओके. ठीक है रुमान भाई, ये हो गया हमारे पास. अभी इसमें मेरे पास काफ़ी वेराइटी है. इसमें मेरे पास कलर ग्लो वीडो है, ग्लो वीडो टेट्रा है, 60 रुपीज पेर है. स्पॉटेड मॉली है, 70 रुपीज पेर है. इसमें पोलर पैरेट है, 125 पेर है. ये वाला ये दिस वन पोलर पेरेट. वैसे ये अग्रेसिव नहीं है, हालांकि पैरेट फिश है, जस्ट ब्लेस विद मॉली वॉली. ये मॉली वगैरह के साथ रह जाता है, मॉली टेट्रा, ये फ्लोरिसेंट टेट्रा के साथ रह जाता है ये. फिर इसके अंदर ये स्पॉटेड मॉली है. स्पॉटेड मॉली है, 70 रुपीज पे है. 70 रुपीज पर पेयर. इसमें फिर चॉकलेट मॉली है, वो भी 60 रुपीज पे है. सारी फीमेल ही लग रही हो, मेल का तो ऊपर का थोड़ा बड़ा होता है ना? नहीं, चॉकलेट मॉली में ज्यादातर करके फीमेल ही आती है, मेल बहुत कम आती है. ये मैं जो लेके गया था ये बोस्मानी रेम्बो है. ये बोस्मानी रेम्बो, ये 350 पे है. 350 रुपीज पर पेयर. और ये नियोन रेम्बो है, वो 150 पेयर है. नियोन रेम्बो ये स्मॉल हो, स्मॉल फिश. दिस वन डॉलर है. ये 150 पेयर है. नियोन रेम्बो 150 रुपीज पर पेयर. रुमान भाई, इसमें कलर ज़ेब्रा है. कलर ज़ेब्रा 50 रुपीज पेर है. डजन लोगे तो डजन के रेट से आएगा. 50 रुपये ज़ेब्रा का है. 50 रुपीज पेर. 50 रुपीज पर पेयर. ठीक है. और ये कौन सी है? ये रेमिनोस टेट्रा है.
दिस वन इज रेमिनो स्टेट का, रेमिनो स्टेट का आपका टैंक थोड़ा हेजी हेजी है, कितने का आएगा? रेमिनो स्टेट का 100 रुपीस पे है। एंड व्हाट अबाउट ये शुभंगी ने कोई मिल्की कोई, मिल्की कोई ये मिल्की कोई है 60 रुपीस पे है। और ये मार्बल एंजल्स है, दिस इज 60 रुपया फॉर अ जोड़ी। यस मार्बल एंजल की, मार्बल एंजल 70 रुपीस पे है। ये सब मार्बल, मार्बल हाँ ये सब मार्बल है। 70 रुपया हाँ। सो ये डन विद मार्बल एंजल और नॉर्मल एंजल जो है वो, और कोई ब्लू गुलामी और गोल्डन गुलामी कितने का है? ब्लू गुलामी गोल्डन गुलामी 60 रुपीस पे है। किसिंग, किसिंग गुलामी 70 रुपीस पे है। शार्क फिश इसमें टाइगर शार्क है 75 पे है। एल्बिनो टाइगर शार्क भी 75 पे है, सेम रेट है दोनों का। 75 रुपए का टाइगर शार्क है। और ये कौन सी है? इसके अंदर पल, ये पल स्केल गोल्ड फिश है। पल स्केल गोल्ड फिश है, ये 300 पे है। और ये ओरेंडा है, ओरेंडा 200 पे है। बट वो ओरिजिनल पल्स के लिए क्योंकि वो तो बहुत छोटी शॉर्टी और मोटी आती है ना, शॉर्टी है वो, लेकिन साइज बड़े आए ये बार पल्स के। ओके ओके, कितने का बोला आपने? पल्स स्केल 300 पे है। ओके, और ओरेंडा 200 पे है। 200 रुपए ओरेंडा और पल्स स्केल जो है वो 300 रुपए जोड़ी है, ठीक है। और ये रेगुलर गोल्ड फिश, रेगुलर गोल्ड फिश है। हाउ मच? ये 100 रुपीस पे है। 100 रुपए की जोड़ी, गोल्ड फिश का प्राइस बढ़ गया है। ये बड़ी साइज में है, रेड गोल्ड है। ओके, और ये 35 रुपीस पर पेयर। दिस इज फॉर फीडिंग, फीडिंग गोल्ड भी है। और ये इसको रखते भी है टैंक में। 35 रुपए जोड़ी है, 35 रुपीस पर जोड़ी, 35 रुपीस जोड़ी है। डजन लोगे 130। ओके, पाकू 100 रुपीस पे है। पाकू 100 रुपए जोड़ी। और पाकू के साथ ये कौन सी है? ये अल्बिनो, अल्बाइनो पाकू है। अल्बाइनो पाकू इसमें वो 200 पेयर है। 200 रुपए फॉर अ पेयर, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी वेराइटी है। इसमें बलून मॉली है, बलून मॉली 50 रुपीस पेयर है। बलून मॉली है मोटी वाली जो है, 50 मोटी वाली। इसमें वाइट कलर, ब्लैक कलर, गोल्डन कलर, 50 रुपया, 50 रुपीस पेयर। ओके, और इसमें इसमें शॉर्ट टेल है, शॉर्ट टेल 75 रुपीस पेयर है। दिस वन बिग साइज, हाँ ये शॉर्ट टेल मेल है शॉर्ट टेल। और इसमें प्लेटीज है, प्लेटीज बड़े साइज के, मैंगो प्लेटी है, मैंगो प्लेटी 60 रुपीस पेयर है, बिग साइज। एंड गप्पीज, गप्पीज में डिफरेंट है। गप्पीज मेरे पास एक 70 रुपीस पेयर वाला है और एक 150 रुपीस पेयर वाले इसमें गप्पीज है। कौन सी 150 का? 150 रुपीस ये आएगा। ये देखो, ये जो दिख रहे ना, ये सब जो बड़े टेल के है ना, बड़े टेल में जो ब्राइट कलर है वो 150 पेयर है। okay. और ये छोटे वाले में है वो 70 रुपीस पेयर है गप्पीज, उसमें मेल फीमेल। ऑस्कर, ऑस्कर ये 350 पेयर है, इसमें 350 रुपये पेयर। इसमें मैंगो ऑस्कर है, रेड फायर है और कॉपर ऑस्कर है। इसमें देखो ये फायर माउथ है, रेड फायर माउथ बैक साइड। हाँ, कितने का है ये फायर माउथ? 200 पेयर है। इसका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कलर आता है। और ऑस्कर कोई भी ले लो आप 350 रुपये, ऑस्कर कोई भी ले लो 350 पे, 350 रुपये पर जोड़ी, ठीक है। और इसमें देखो अभी इसमें रेड कैप है, रेड कैप 70 रुपीस पेयर है, 70 रुपया फॉर रेड कैप। ब्लैक मोर 70 रुपीस पेयर है, ब्लैक मोर 70। और शुभंगिन, शुभंगिन 75 पेयर है, शुभंगिन को 75 रुपीस पेयर पर पे, पर पे। सिल्वर अरवाना, सिल्वर अरवाना 700 रुपीस पर पीस, 700 रुपये पर पीस। हाँ ओके, और इसमें ब्लैक गोस्ट है बड़े साइज के, चार ही बची है। हाँ, इसमें चार ही पीस बचा है। ये 650 पेयर है, 650 रुपये पर जोड़ी। ये बिग साइज, ये 5 इंच का ब्लैक गोस्ट है। ओके, नीचे रुमान भाई ये वाला बताओ, इसका प्राइसिंग बताओ। ये आपने स्टार्टिंग में इसका प्राइस बता दिया। हाँ, इसका 200 रुपीज पीस लेट है, इसका बता दिया। कौन सी कोई? ये कोबेटो कोई है बड़ी साइज की, बट वो ये सिंगल पीस बचे अभी। कितने का मिल जाएगा? वो सिंगल पीस आएगा 250 का, 250 रुपीज कोबेटो कोई, कोबेटो कोई। ओके, और ये जैपनीज कोई है, ये 800 पेयर है, 800 रुपये जैपनीज कोई का है। और ये सिल्वर शार्क 200 पेयर है, 200 रुपये पर। हाँ, और ये कबेटू कोई में स्मॉल साइज है वो 150 पेयर है, 150 रुपये पर, 150 पर पेयर। ओके, और यहाँ पर जो है ये हो गया अपना शार्क में, यहाँ पर ये रेम्बो रेटिल शार्क 100 रुपीज पेयर है। ओके, मॉली कोई भी मॉली लो, इसमें ब्लैक, गोल्डन, वाइट, ये सब 40 रुपीज पेयर है। मैंने ये आपके पास से लेके गया था, मैं टैंक ओपन है, जब मार के मर गई थी।
तड़तड़ी है। स्टार्टिंग में एक दो दिन जरा उसको कवर करके रखना पड़ता है, स्टार्टिंग में नया जब डालोगे तो थोड़ा जम करता है। और ये मॉली, मॉली ये 40 रुपीज पे है, ऑल दीज आर रेगुलर वंस राइट, कोई भी ले लो आप, वाइट येलो या ब्लैक, 40 रुपीज पर पेयर। और इसमें सिल्वर टीन फॉइल है, गोल्डन टीन फॉइल बार पे कितने का ये 100 रुपीज पे है। ओके, ये डजन लोगे तो डजन के रेट से आएगा। अच्छा अपने पास ये ट्रिप फूड है, बड़ा ट्रिप फूड है, ट्रिप फूड 1200 रुपये पर के जी है, अपने पास है रखा वो। हाँ मिल जाएगा 1200 रुपये पर के जी, पर के जी। ग्रेवल्स भी बता दो ना कौन कौन सा रखा है। भाई अभी सीन द फ्रेश रुमान भाई, ग्रेवल्स क्या क्या है? ग्रेवल मेरे पास ये देखो ना, वाइट चिप्स है, ये 50 रुपीज के जी है, 50 रुपये किलो ग्रेवल्स है। और ये मिक्स रोड़ी है, ये रोड़ी बोलते हैं इसको, मिक्स रोड़ी, ये 140 रुपीज पर के जी है। ओके, मिक्स रोड़ी। इसके अलावा आप ये जो सारा देख रहे हो ये सब, इसके अलावा ये जितना भी सैंड है, ये ऑरेंज है, ग्रीन है, फिर लेमन कलर आता है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, सारे सैंड जो है 60 रुपीज पर के जी। और ये प्लांट्स वगैरह कितने के मिल जाएंगे? प्लांट्स पॉट आएगा पूरा 100 रुपीज का। ओके, 100 रुपीज का ये पॉट रोहन भाई, ये प्लांटेड एक्वेरियम के लिए सॉइल है। हाँ ये प्लांटेड, ये ADA का सॉइल है, ADA का। कितने का आता है ये? 3 लीटर का आते हैं, 1050। ओके, 3 लीटर का बैग ये 70 रुपीज का है। रुमान भाई हमने ग्रेवल्स देख लिया, हमने फिश देख लिया, अब लोगों को एक ऐसी फिश बताना चाहता हूँ जो बहुत कम दुकान वाले रखते हैं, वो है फीमेल बेटा फिश। ऑलवेज सीन के भाई मेल हमेशा रखते हैं, एंड यू गॉट मेनी ऑफ देम, बहुत सारी है फीमेल बेटा फिश। जो ये फीमेल बेटा फिश है सब, ये एलिफेंट ईयर है, हाँ, और हाफ मून भी है इसमें, फीमेल बेटा फिश में। मन में कितने की आ जाएगी फीमेल बेटा फिश? फीमेल बेटा ये 120 पर पीस है, सिंगल बेटा फीमेल का भी यही हो गया दाम। ओके, और मेल जो है हमारे ये, पास ये इलेक्ट्रिक ब्लू नहीं है, ये इलेक्ट्रिक ब्लू रेमेरोजी है, तो इसको बेटा के साथ रखे हो? ये रही जाते हैं साथ में, ये 150 पर पीस है सिंगल। और रुमान भाई दिस इज द मोस्ट एप साइज फॉर फीडिंग बेटा फिश, यस। इतना आधा फीट का टैंक, एक फीट का टैंक है, बेटा फीमेल होगी हमारे पास, मेल रखी हुई है, ये छोटे उसमें इसलिए बिकॉज ये आपस में लड़ते हैं, और वी कैन कीप इट इन सेपरेट टैंक। सारे मेल से पूरा डिफरेंट कलर है, कोई ये ऑल मेल कोई भी ले लो, 150 पर पीस है, सिंगल पीस। ओके, 150। रुमान भाई एक पर्सनल सजेशन दूंगा मैं बहुत समय से आता हूँ इसमें ना, सर्कल में दिखते नहीं है वो, मैं बहुत सी जगह गया जैसे परी एक्वेरियम वगैरह, थोड़ा ना स्क्वायर एक छोटा सा बना है, आप वो रखोगे इतना ब्यूटी आएगी बेटा, मैं भी अभी अलग ही लुक आएगा पूरा बेटा का। वही मैं भी वही छोटी ग्लास की जो रहती है स्क्वायर वाला ना, उसमें बहुत खूबसूरत दिखेगा, वही रखने वाला हूं अभी मैं भी। तो 150 रुपीज़ का है, 150 रुपीज़ पर पीस। वैसे ये बॉल कितने का आ जाता है? ये बॉल 60 रुपीज़ का है, 60 रुपये का बॉल आ जाएगा, 60 रुपीज़ का बाउल है। डिसाइड दैट यू आर, ये लीगल है ना? ये लीगल है, ये सिंगापुरी रेड स्लाइडर है, ग्रीन टर्टल। कितने के आ जाते हैं ये जोड़ी लोगे ना? 800 है, सिंगल 500। ओके, और मेरे पास ये एक्वेरियम है मोल्डेड चाइनीज ब्लू पेट के, काच का ही है ना? हाँ, ये नहीं ग्लास का है, ये टैंक टॉप लाइट फिल्टर इनबिल्ट है, मोल्डेड टैंक है, ये 1.5 फीट है। कितने का आएगा ये? आएगा 30 to 50, 3250। टैंक टॉप लाइट फिल्टर इनबिल्ट है, ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको रेडीमेड नहीं चाहिए, मैं पर्सनली इनसे टैंक बनवा चुका हूँ, आपको जो भी साइज का कस्टम टैंक चाहिए वो बनवा के दे देंगे, इनफैक्ट वो सस्ता ही पड़ेगा, जो भी साइज का चाहिए ना, 1 फीट से लेके 8 फीट तक जो भी साइज का टैंक चाहिए, और ये विद इन अ वीक आपको बनवा के दे देंगे, अलॉन्ग विद वो जो शेड होता है वो कस्टम साइज का आपको बन के मिल जाएगा, कस्टमाइज मिल जाता है, एक्रेलिक का शेड मिलता है बना के, जी जी जी, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक रफ प्राइस बता दो आप, अगर ये बर्ड का मेरे पास मटकी है, ये जो टैंक रखा हुआ है, ये टैंक जो है ना 2 फीट का है, ये टैंक आएगा 650 का। ये कितना एमएम ग्लास है? ये नॉर्मली 5 mm है, 5 mm, 5 mm ग्लास है। ये खाली टैंक कितने का? ये सिर्फ टैंक 650 है, 650 का। ऊपर का टॉप आएगा एक्रेलिक का, इसका 500 का।
खाली टॉप एक्रेलिक, तो टॉप क्यों इतना महंगा? टैंक एक्रेलिक का टॉप अभी रेट थोड़ा कम हो गया, आज से 3 साल पहले और ज्यादा रेट था उसका। अच्छा, और पतरे वतरे का बंद हो गया टोटल? पतरे का टोटल बंद हो गया, अभी पतरे का अवेलेबल ही नहीं है, बंद हो गया अभी, ओनली एक्रेलिक। इसके अलावा ये कौन सा है? ब्लू पेट का? ये ब्लू पेट का छोटा टैंक है, 300 मॉडल है, ये 1900 है, थोड़ा बार्गेन बोले लोग थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, 1500 में मिल जाएगा, ये हो जाता है आसपास। ओके, तो ये कितना कितना बड़ा है साइज? ये 1 फीट का है, 12 इंच है, और हाइट इसका कुछ 14 इंच है। इतना बड़ा है? नहीं, इसमें कस्टमाइज टैंक का जो हाइट कम रहता है, इसका हाइट 15 इंच आएगा। ओके, इससे थोड़ा ऊंचा है, इससे हाइटेड है, इसका हाइट भी ज़्यादा है, प्लस ये भी टैंक टॉप लाइट फिल्टर इनबिल्ट है इसमें। ओके, मोल्डेड टैंक है ये, और ये वाला? ये भी मोल्डेड टैंक है, ये 1.25 फीट का है, ये 390 मॉडल है, और ये 2450 रुपया है इसका प्राइस है, और इसमें भी कम हो जाएगा, नेगोशिएट हो जाएगा। इसमें जैसा ये टॉप फिल्टर है, वही इसमें भी है वो? सेम सेम सेम, इसमें टॉप फिल्टर लाइट और ऊपर टॉप, ये पूरा इनबिल्ट आता है। ओके, और ये जो छोटा वाला, ये छोटे वाले, ये छोटे वाले मेरे पास जो है ना, ये BL04 टैंक है, इसमें लाइट है, इसमें फिल्टर सिस्टम दिया हुआ है। नहीं, ये भी क्लास है, क्लास है, और ये भी क्लास ही है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, और ये सारे क्लास ही आते हैं, इसमें फाइबर नहीं आते, एक भी क्लास है, बट ये चार्जेबल है। BL04 ये मॉडल है, ये छोटी पीसीस के लिए, जैसा ऑफिस में रखना है तो उसके लिए बेटर है, छोटे क्लिनिक में रखना है टेबल पे, okay. तो उसके लिए बेस्ट है, ये चार्जेबल है, इसमें फिल्ट्रेशन USB चार्जिंग, क्या चार्ज होता है USB से? इसमें तुम्हारा ये फिल्टर चार्ज, फिल्टर होएगा और लाइट होएगी, निकाल के बता सकते हैं? और कितना दिन चले, कितना देर चलेगा वंस ऑन फुल चार्ज? ये कम से कम 8 आवर चलता है, 8 घंटे। डायरेक्ट पावर कनेक्टिविटी नहीं है हमारे को, अगर चार्ज नहीं करना है तो? नहीं, विदाउट चार्ज वाला भी मेरे पास, ये दूसरा मॉडल है, ये वाला नहीं, वो डायरेक्ट चलता है, वो इलेक्ट्रिक वाला है, बैक फिल्टर है सर? हाँ, ये बैक फिल्टर दिया हुआ है। ओके, और ये चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है उसका सर, चार्जिंग के पॉइंट, ये बैक फिल्टर है और सामने से ये बैक फिल्टर है और ये फ्रंट है, और यह फिल्ट्रेशन का सिस्टम दिया हुआ है, और इसमें लाइट भी है, लाइट भी इसमें इनबिल्ट है। ओके, लाइट का टच दिया हुआ है। ये कितने का मिल जाएगा? ये 1300 रुपीज़, 1300 रुपये, 1300। इसमें भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास, जैसे आप घोस्ट फिश लेते हो, घोस्ट फिश की आदत है कि ये सिलिंड्रिकल जो है इसी में जाके छुपती है, एक प्लेस टू हाइड, तो ये कितने का आ जाएगा? ये पाइप सर्कल 30 रुपीज़ पर पीस है, 4 पीस लोगे तो 100 रुपीज़, 30 रुपीज़ सिंगल पीस है, 4 का चार्ज मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यू हैव सम टॉयज एंड शो आइटम्स एज वेल, यहाँ पर बता दें। ये देखो ना, ये प्लांट्स है, आर्टिफिशियल प्लांट्स है, बच वाला, ये 150 का है, 150 रुपये का, 150 रुपये पीस है, और ये सब डिफरेंट प्राइस है सब, ये 350 है, 250 है, 250 है, 450 है, ये 300 है, ये 450 है, ये 250 है, फिर ये 180 है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। ये सब 100 रुपीज़ है, ये टग ऑफ वेयर है, फिर शीशो है, ये सब 100 रुपीज़ है, फिर इसमें कैमरामैन आता है, कैमरामैन आता है, वो है, नहीं वो भी है, आता है, बट अभी है नहीं मेरे पास, ये वही 100 रुपए के आसपास, 100 रुपीज़ के आसपास आते हैं। ऑक्सीजन मशीन बता दो आप मेरे पास, अभी एयर पंप और फिल्टर भी बताना आपको। एयर पंप है सिंगल, ये ब्लू पेट का है, और ये RS का है, साइलेंट है ये थोड़ा, क्या आवाज़? नहीं, नॉर्मल है, एकदम साइलेंट नहीं है, नॉर्मल है, साइलेंट एयर पंप अलग आता है, उसका रेट प्राइस अलग है। ये कितने का आएगा? ये 150 का है। हाँ, और RS का? RS का भी सेम रेट है, सेम रेट, और ये डबल आउटलेट है ना? ये सिंगल आउटलेट है, और ये डबल आउटलेट है ब्लू पेट का, ये डबल आउटलेट 300 का है। ओके, फिर अभी मेरे पास ये बर्ड्स का मल्टी विटामिन है, मैविट का, पेट्स लाइफ का है, और कैट का शैम्पू है, कैट का पाउडर है, और ये इसमें गपीज का फूड है। कितने का है? डेल्फिन्स, ये इसमें 70 रुपीज़ का है। ओके, ऑप्टिमम सीसलेट पैलेट है, कोई रेट का ओरिजिनल है, ऑप्टिमम में बड़ा कंफ्यूजन है, ओरिजिनल नहीं, ऑप्टिमम में इसमें कोई कॉपी नहीं आता है, ओरिजिनल है,
ऑप्टिमम ये 140 का है 100 ग्राम और 300 ग्राम का आएगा 250 ये कॉम्प्लीट करके माइक्रो पैलेट्स है ये 100 रुपीज पर पीस है सर से मेन जो मेरी फिश का थी हेलो फीड का ब्लड वॉर्म से या कहता हेलो फीड का हेलो फीड का नहीं है हेलो फीड का है ना 10 ग्राम का कितने का आ जाएगा ये बड़ा वाला जो है हेलो फीड का 55 ग्राम का 55 ग्राम का 10% एक्स्ट्रा है 450 का आपके बाजू में एनी टाइम पे ये जो है आपका कैट का ट्रीट है मियो का ये 100 रुपीस का है इसमें 100 रुपए का कैट कैट ट्रीट इसमें 4 पीस आती है इसमें 4 पीस है और ये ग्रैंड जीरो का ट्रीट है इसमें 5 पीस है वो भी 100 रुपीस है 100 रुपए का 5 पीस ओके वो भी 100 और ये मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट्स है इसके आर्टिफिशियल प्लांट्स है डिफरेंट में सब अलग अलग 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ पर पीस फिर इसमें बड़े भी प्लांट्स है 180 ये तो 180 रुपीज़ पीस है बड़े प्लांट्स 180 रुपए का आ जाएगा ये ठीक है तो ये 14 इंच के है उसके अलावा ये टर्टल टैंक कितने का आएगा ये टर्टल टैंक ये साइज का आएगा ब्लू पेट का एक 250 के वाला है ये 350 वाला है दोनों अलग अलग मॉडल है ये जो टर्टल होते हैं उनको पानी जरूरी होता है कि उसको पानी अभी फिलहाल इतना ही पानी रखा जाता है उसके प्लेटफॉर्म के नीचे तक एंड हाउ बिग दे ग्रो ग्रो तो इसका है अच्छा ही है ग्रो अच्छा है सिंगापुर टर्टल ज़्यादा बढ़ गया तो यू विल हैव टू लीव इट कर दी तो बावड़ी वावड़ी में डाल दो ज़्यादा बढ़ गया तो उसको वेल में डाल सकते हैं बावड़ी में डाल सकते हैं ओके मोस्टली करके सब बावड़ी में डालते हैं एंड दे बाइट नाउ एंड दे ग्रो काटते हैं ना नहीं ये काटते नहीं है अच्छा नहीं ये बाइट नहीं करते काटते नहीं है ठीक है आपके पास और क्या है मेरे पास ये फिश फूड में मेरे पास देखो फाल का ये हिकारी का सब प्रोडक्ट है ये चिसलेट पैलेट है स्टेपल स्मॉल मीडियम बिग फिर डिस्कस बायो गोल्ड है ये चिसलेट का है ये भी चिसलेट है फैंसी कप्पी फूड है माइक्रो पैलेट है ये कैसा है इसमें जो है MRP उस पर डिस्काउंट करके होता है इसका सबका उसमें MRP पे डिस्काउंट कितने का आएगा बड़ा वाला कितने का आता है बड़ा वाला ये आएगा 550 का साढ़े पाँच सौ कितना ग्राम है ये 250 ग्राम है 250 ग्राम का 550 रुपए का ऑप्टिमम ये ऑप्टिमम है मिनी पैलेट है ये हाफ केजी है 250 वाला ना हाँ छोटा वाला मिनी पैलेट कितने का ये 250 का है हाफ केजी इसमें 200 ग्राम का आता है 100 रुपीज का और 100 ग्राम का आएगा 60 रुपीज का ऑप्टिमम ठीक है और बाकी व्हाइट लिक्विड ब्लू लिक्विड वो सब है व्हाइट लिक्विड ब्लू लिक्विड तो सब रनिंग मेरे की तो 20 रुपीस वाला है ये कितने का आ जाएगा अपना साइफन पाइप साइफन पाइप आएगा 150 रुपीस पर पीस ये बहुत जरूरी है आप लीजिए 150 रुपीस पर पीस है ठीक है नेक्स्ट वगैरह मेरे पास ये एयर स्टिक है मिलियन बबल का बहुत गुड क्वालिटी है अच्छा। और ये तकरीबन 5-5 साल तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता ओके इसमें 6 इंच है 12 इंच है 15 इंच आता है 24 इंच आता है लास्ट 30 इंच तक मिलेगा कितने का है ये इसका प्राइस है 150 150 रुपया थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ठीक है उसके अलावा यू गेट रेगुलर नेट्स एज वेल सारी चीजें उसके अलावा ये मैग्नेट क्लीनर है उसमें बड़ा साइज का छोटा साइज का आएगा मैग्नेट क्लीनर ये 480 का है ये 550 का है बट ज़्यादा एलगी जमेगा तो नहीं होता है ना उससे क्लीन नहीं हो जाता बहुत ज़्यादा होएगा तो नहीं हो पाएगा ठीक है इसके अलावा और एल्स जुड़ गया फिश ऑलमोस्ट हो गया कैट फूड है मेरे पास हाँ मियो का है कैट फूड में ग्रैंड जीरो है विस्कस है रॉयल कैनन है प्योर पेट है लेट्स बाइट है ड्रूल्स है एक्यू फार्मूला है ये सारे मेरे पास कैट फूड अवेलेबल है 10% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट में आपको सारे मिल जाएंगे वही 5 केजी का पैकेट ना नहीं उसमें 1 kg 1.2 आता है कोई 1.1 आता है 3 kg आता है 7.8 kg आता है सब अलग डिफरेंट में डिलीवरी करवा दोगे ना हाँ बॉम्बे में डिलीवरी हो जाएगी डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा होगा नहीं डिलीवरी चार्ज नहीं होगा बट नियर होएगा जोगेश्वरी नियर
इसको फ्री ऑफ डिलीवरी होए। ओके ठीक है, टैंक वगैरह हमने सब कवर कर लिया एक्वेरियम। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखना एग्जॉटिक बर्ड्स, वो आपको देखने मिलेंगे, उनकी फीड बताएंगे, उनका प्राइस बताएंगे, केजेस है तो वो बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नंबर आपका? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर है 8882400333। व्हाट्सएप नंबर भी है? मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, शॉप जो है जोगेश्वरी वेस्ट में है, 24 गेट सिनेमा हुआ करता था उसके सामने है, बिल्कुल अपोजिट है और बिहाइंड बाजू में है मिल्लत नर्सिंग होम हॉस्पिटल। ओके, ये लैंडमार्क है 24 कैरेट एंड मिल्लत नर्सिंग होम। जैसे हमने देखा क्या सारी ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिश मिलती है, फिश एक्वेरियम है, फुल्ली सेटअप एक्वेरियम, सारी चीज़ें मिल जाएगी मछलियों से रिलेटेड, कैट फूड, डॉग फूड। बिसाइड्स दैट आपको टेम्ड बर्ड्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। yes. और अनटेम्ड भी मिलेंगे। व्हाट वी हैव एट द मोमेंट रुमान भाई, अभी क्या है हमारे पास? अभी ये देखो ना, ये सन तनूर है। हाँ, ये हैंड फीडिंग पे है अभी। अच्छा, ये हैंड फीडिंग पे है अभी। अभी कैसे ये जो भी कोई लेता है इसको खरीदता है अगर, तो इसको हैंड फीड करके उसको 1 महीने तक हैंड फीड करना पड़ेगा, उसके बाद वो सेल्फ पे आ जाएगा। अभी जैसा हैंड फीडिंग में उसको जैसा टेम करना है ऐसा उसको टेम कर सकते हैं। ओके, वो हैंड फीडिंग में वही बेनिफिट होता है कि हैंड फीडिंग कोई भी पैरेट या बर्ड लेते हैं ना तो उसको आप टेम कर सकते हो। ओके, और ये इसके पैर में रिंग लगी हुई है, गुंजाइश हो जाएगी कम करने की? नहीं, इसमें कुछ गुंजाइश नहीं क्योंकि मैं एकदम नॉर्मल रेट ही रखा हूँ इसका। रुमान भाई तो ये अभी 1 महीना हम और खिलाएंगे तो ये, हाँ, ये 1 महीना और खिलाओगे ना आप, वो सेल्फ पे हो जाएगा, मतलब खुद से फीड करने लगेगा। पर इसको खिलाना भी एक आर्ट है ना, एक आई थिंक फीडिंग फार्मूला होता है, हैंड फीडिंग फार्मूला होता है ना, आई थिंक गुनगुना होना चाहिए, एकदम नॉर्मल, नहीं नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, एकदम थिक भी नहीं होना चाहिए, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हल्का हल्का गर्म खिलाते हैं क्या? नहीं, नॉर्मली रूम टेम्परेचर वाला। ओके, आप बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको? AQ का फॉर्मूला लगेगा। आपके पास है? हाँ, वो मेरे पास मिल जाएगा, ये A19 का, सॉरी A19, ये है A19 का। तो ये कितना चलेगा? ये 250 ग्राम से, इसका प्राइस है 700। कितना दिन चल जाएगा ये? चलेगा एक पैरेट के लिए सबसे 10 दिन का, 20 डेज चलेगा, 20 दिन चल जाएगा, 20 दिन चलेगा। और जो खिलाने के लिए फीडर भी होता है ना, खिलाने के लिए नॉर्मल सीरिंज चाहिए, आप नॉर्मल सीरिंज ले सकते हो 10 ml का, या तो फिर उसका सीरिंज आता है एक स्पेशल है अपने पास, फिलहाल अभी वो स्टॉक में नहीं है, मिल जाएगा। बाकी इसका नॉर्मल सीरिंज तो मिल जाता है कहीं पर भी, मेडिकल में अवेलेबल होता है। ओके, तो ये किन लोगों को लेना चाहिए था भाई? नॉइजी बर्ड के क्या है ये? बहुत एकदम फ्रेंडली बर्ड है, फ्रेंडली है, चिल्लाता है काफी, आवाज तो है इसका, आवाज है अच्छा। क्या खिलाना चाहिए उनको? अगर ये हो गया अपना फीडिंग फॉर्मूला, हो गया बड़ा हुआ थोड़ा, बड़ा होने के बाद इसको सॉफ्ट फूड देना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? सॉफ्ट फूड में जैसे हो गया चने हो गए, हरे मूंग हो गए, फिर तुम्हारा फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स भी खाते हैं लोग। अंदर डाले हैं रुमान भाई बिकॉज सर पड़ रहा है। आइडियली वी वुड नॉट रेकमेंड यू टू कीप इन अ केज ऑफ दिस साइज, जस्ट फॉर शूट पर्पस। अंदर जो बड़ा केज बाहर है, हम बाहर नहीं शूट कर सकते, और बाहर निकाल के बताना आइडियल केज साइज क्या रहेगा इसलिए। इसका केज साइज मिनिमम 2 फीट रहेगा। 2 feet? Yes. Okay. Once again, ये 8000 रुपये का आएगा, नॉट DNA tested, मेल है या फीमेल है वी डोंट नो, और डिलीवरी कर दोगे आप? डिलीवरी हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअली आज ही आया ट्रैवल में, बैठता है यहाँ पर तो खिला ही रहे, वो लोग जहाँ से आया वो खिला ही रहा होगा।
हाँ वो हैंड फीडिंग पे ही है, A19 फॉर्मूला है इसका। एक और है हमारे पास ग्रीन चिक कॉर्नियर, ये आप हैंड फीड कर रहे हैं मोमेंट। हाँ ये हैंड फीडिंग कर रहे हो, रुमान वाइज हैंड फीडिंग है रुमान में। इजी फॉर देम टू इजी फॉर अस टू हैंड फीड देम, क्या डिफिकल्ट होता है? और कितने मरतबा करना पड़ेगा दिन में? इसको दिन में दो बार हैंड फीडिंग करना है, 20-20 ml सुबह में एक रात को एक। ग्रीन चिक कॉर्नियर तो कंपेरेटिवली चीपर आते हैं ना सन कॉर्नियर से। हाँ ये इसका प्राइस 3200 पर पीस। रुमान भाई ये जो आप सन कॉर्नियर जो बोल रहे हो इसका जनरली पूरा येलो होता है ना कमेज जो है? नहीं ये भी स्मॉल है ना, जैसे जैसे साइज होएगा ना ये येलो डोमिनेंट ही है, येलो आएगा, येलो डोमिनेंट है। ये छोटा साइज है, जैसे साइज बड़ा होएगा तो फिर कलर उसका और डार्क होते जाएगा येलो डोमिनेंट। ओके ठीक है। ये ग्रीन चिक फिलहाल आई कितने दिन का है? एक महीना ये होगा, 1 month ठीक है फिलहाल एट द मोमेंट यू आर हैंड फीडिंग है। ओके इसको भी ये भी कुछ दिन के बाद 50 days तक इसको भी हैंड फीड करना पड़ेगा। हाँ फिर ये सेल्फ पे हो जाएगा, और हैंड फीडिंग में आप जैसे इसको टेम करना है टेम कर सकते हैं। ओके ओके हैंड फीडिंग में यही बेनिफिट होता है कि आपको बर्ड्स को नहीं काटेगा, आप बड़ा लोग बड़ा लेके उसको करोगे तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो उसको बेबी जो रहता है चिक्स रहते हैं ना, चिक्स को वहाँ पे हैंड फिट करके उसको ये कर सकते हैं। चलिए चलिए सावर निकालते हैं। रुमान भाई ये कौन सा निकाला अभी आपने? ये पाइनएप्पल रेड फैक्टर कॉर्नियर है, पाइनएप्पल रेड फैक्टर कॉर्नियर। ये भी सेम ही है, 1 month के आसपास ही है। इसका साइज बड़ा है? हाँ इसका थोड़ा सबका ये अलग अलग रहता है। ये कितने का हो जाएगा? ये भी सेम है, सेम 3200 पर पीस सिंगल। ओके ओके ग्रीन चिक भी 3200। ओके 3200 का ठीक है, बट आपको हैंड फीड करना पड़ेगा टेम करने के लिए, आपको हैंड फीड की जरूरत है। रुमान भाई कुछ कम हो जाएगा इसका, गुंजाइश हो जाएगी कुछ? थोड़ा बहुत हो जाएगा कम। एंड दीज आर नॉट टॉकिंग बर्ड्स ना, ये बात नहीं करते। नहीं ये बात नहीं बोलेंगे, नहीं ये बात नहीं करते। ओके ये भी सर सिटी वगैरह मारते ही है। दीज आर रेस्टिंग बर्ड्स नॉट टॉकिंग बर्ड्स, नॉट टॉकिंग बर्ड्स। रुमान भाई उसके अलावा हमारे पास फिंचेस है, उसके अलावा मेरे पास ये गोल्डन फिंचेस है। ये कौन सा है कलरफुल जो है? ये जो गोल्डन फिंचेस है ग्रीन, और ये जो ब्लैक हेड है हाँ ये गोल्डन फिंचेस है। ये गोल्डन फिंचेस है? ये जो मल्टी कलर में है ना वो गोल्डन फिंचेस बोलते हैं इसको। हाँ इसमें मेल फीमेल है? कौन सा मेल है इसमें? वो रेड हेड वाला जो है ना पीछे वाला वो मेल है, और ये आगे जो बैठा है ना ब्लैक हेड है वो फीमेल है। कितने का आ जाएगा? ये 3000 पेयर है। 3000 रुपीज़ पर पेयर? 3000 रुपीज़ पर पेयर। रेड वन इज मेल एंड ब्लैक हेड इज फीमेल। ब्लैक हेड इज फीमेल ठीक है, और पेयर हाँ 3000 पर पेयर। दीज आर ऑल नॉट इंडियन बर्ड्स ना, दीज आर फॉरेन बर्ड्स। फॉरेन बर्ड्स, फॉरेन बर्ड्स। ये स्टार फिंचेस है, दिस इज स्टार फिंच, ये वाला। हाँ ये वाला। कितने का आएगा? ये 3500 रुपीज़ पेयर है, 3500 रुपये जोड़ी पर स्टार। रुमान भाई और ये काला वाला, ये ब्राउन वाला, ये बंगाली फिंच है, बंगाली फिंच। ये भी बाहर का है बेसिकली, कितने का आएगा? ये 350 पेयर है, 350 रुपये पर जोड़ी। आउल फिंच है, कौन सा ये वाला? ये येलो गोल्डन फिंच है, वो ये येलो जो है ये। हाँ येलो गोल्डन कितने का आएगा? येलो गोल्डन 4000 पेयर है, बट ये एक सिंगल पीस ही है मेरे पास, तो 2000 का मिल जाएगा। आउल फिंच कौन सा बोला आपने? फिंच आई डोंट सी इट, वो आउल फिंच है। ये आउल फिंच दिस वन, दिस वन ये सामने गया मिडिल में, ये वाला कितने का है? बहुत तड़तड़ी है। आउल फिंच 3000 पेयर है, 3000 रुपीज़ पर पेयर। व्हाट अबाउट दिस वाइट वन, कहाँ पे? ये कितने का है? लॉन्ग टेल फिंच, ये 3000 पेयर है, दिस वाला कितने का? लॉन्ग टेल फिंच 3000 रुपये जोड़ी, जो गर्दन पे ब्लैक है, गर्दन के नीचे ब्लैक जो है सामने, ये ना सामने वाली है, 3000 रुपये जोड़ी। व्हाट अबाउट दिस वाइट वन? ये जावा है, और जावड़ा इसमें वाइट जावा है, पर्ल जावा है, ग्रे जावा है, सिल्वर जावा है, ये आप कोई भी लो 1400 रुपीज़ पेयर, 1400 रुपये पर जोड़ी। जोड़ी ओके, कोई भी कलर का ले लो, कोई भी कलर ले लो 1400 का जोड़ी। ओके तो नीचे ये इसमें कॉकटेल है, कॉकटेल है इसके अलावा हमारे पास कॉकटेल है, ये वाइट है, पर्ल है। कितने का आएगा कॉकटेल?
कॉकटेल को है, इसमें मेरे पास ये लुटिनो है, फल है, पाइड है। क्या प्राइस है ये वाला कौन सा है? ये लुटिनो है, लुटिनो कॉकटेल। कितने का है? लुटिनो कॉकटेल ये 2800 रुपीज़ पर पेयर। 2800 रुपीज़ पर पेयर, ओके। दिस इज ऑल्सो द सेम राइट, सेम प्राइस। मान भाई ये कौन सी है? ये जेबरा फिंच है। कितने की आएगी ये? 300 रुपीज़ पेयर। 300 रुपये जोड़ी जोड़ी। बजीज? ये बजीज है 400 रुपीज़ पेयर। 400 रुपीज़ पर पेयर। बजीज में अभी फिलहाल यही येलो कलर ज़्यादा रह गए मेरे पास। अफ्रीकन लॉबर्ड है, अफ्रीकन लॉबर्ड है, ये सर रिंग वाले लॉबर्ड है। इसमें लुटिनो है, ब्लू मास है। ये ब्लू मास कितने का है? ये ऑल 2000 पेयर। 2000 रुपये पर जोड़ी। येलो वाला 2000 पेयर, 2000 रुपये जोड़ी। सिंगल है फिलहाल तो ये येलो सिंगल है, लेकिन आता रहता है इनके पास, तो आप देख सकते हो। और ये एडल बचीस है, ये सारे एडल बचीस है। इसमें मेल फीमेल देख के दोगे ना? हाँ, इसमें मेल फीमेल मिल जाएगा। कितने का आएगा इसमें? ये एडल बचीस 500 रुपीज पेयर है। रोमान भाई अपने पास वो हेलीकॉप्टर बजीज वो सब आते हैं क्या? हेलीकॉप्टर बजीज मिल जाएगा। कितने का मिलेगा? है नहीं मेरे का मिलेगा। हेलीकॉप्टर बजीज 2500 रुपीज़। और वो जंबो बजीज जो आते हैं, जंबो बजीज उसमें डिपे, उसमें भी तीन साइज आता है, उसमें ऑल इन बजीज में तीन साइज आता है। जंबो बजीज में 3500 रुपीज पेयर है, 4000 पेयर है, फिर 5000 पेयर है। चलो ठीक है, और क्या बचा है आपने? ये अफ्रीकन नॉन रिंग, ये एडल्ट है, सारे एडल्ट है, ये नॉन रिंग है। और पहले आपने जो देखे वो रिंग वाले। अच्छा, रिंग और नॉन रिंग क्या होता है बताओ ना। रिंग वाले तो ये रिंग वाले जो होते हैं वो फिशर में आते हैं। हाँ, उसको फिशर बोलते हैं, फिशर नहीं सॉरी, उसमें रिंग वाले अलग होते हैं और नॉन रिंग वाले अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, क्या है? बट उसके आँख में जो वाइट रिंग होती है वो रिंग वाले होते हैं। ये डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट उसका जो ब्लैक आइज दिखता है वो नॉन रिंग। ये कितने का है? ये भी सेम प्राइस है ये, बट मेरे पास अफ्रीकन लॉबर्ड रिंग और नॉन रिंग दोनों एडल्ट है, नॉट स्मॉल साइज। ओके, इसको हाउ मच? 2500 2000 रुपीस पेयर। ओके रुमान भाई, बड़ा केज है अपने पास, इनके लिए केज बड़ा लगेगा। केज केज मेरे पास सारे साइज के केज मिल जाएंगे, 1 फीट, 1.5 फीट। 1 फीट तो जुलूम है, 3 फीट का केज कितने का आ जाएगा? 3 फीट का आएगा 2800 रुपए का। और वो जो बॉक्स होता है ब्रीडिंग बॉक्स, जैसे ये है, ये ब्रीडिंग बॉक्स है मेरे पास, दोगे ना? हाँ, ब्रीडिंग बॉक्स आएगा ये 60 रुपीस का, 60 रुपीस का। ये बजीज के लिए नॉर्मल पीसेस के लिए, कॉकटेल के लिए, कॉकटेल के लिए बड़ा आता है ये, बड़ा वाला है। ये कितने का आएगा? 250 रुपये कॉकटेल का। कितने का ये? 60 रुपीस का बजीज का। फिर वो बजीज के लिए ये मटकी भी है, बर्ड्स मटकी। कितने का ये? 120 का आएगा, 120 रुपये का, 120। यस, और कॉकटेल के लिए भी मटकी। और बजीज के लिए खाना क्या है? बजीज के लिए खाना ये मिक्स आएगा, ये बर्फी करके आता है, 200 रुपीस का आता है 1 kg। ओके, नॉर्मल आएगा कॉन्ग आएगा 50 रुपीस। व्हाइट कलर का फिश के ऐसे डाल के रखते हो? एग्जैक्टली ऐसे वो फिश कटल बोन बोलते हैं, वो फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं होता, बस जरूरी होता है कि उनको डालना, ये जरूरी होता है। वो अच्छा रहता है उन लोग के कैल्शियम के लिए, ब्रीडिंग के लिए अच्छा काम आता है। ये सांखों का कैल्शियम है, ये भी कैल्शियम ब्लॉक है। ये हैंग करके रख देना। हाँ, ये हैंग करने के लिए ये 50 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये था हमारा बर्ड्स और फिश का वीडियो। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शोकेस? केजेस, केजेस है। ये स्मॉल वाला है 350 का। हाँ, ये वाला आएगा 550 का, ये 350 है, ये 450 है, ये 500 है। सब अलग अलग साइज के, अलग अलग साइज है। ये 750 का है बड़ा वाला, ये फैंसी केज है, ऊपर नीचे डबल में। बट आई वुड पर्सनली नॉट रेकमेंड इतना छोटे में रखो, आपको ब्रीडिंग करनी है बड़ा रखो। नहीं, अगर ब्रीडिंग करनी है तो मिनिमम 2 फीट का केज होना चाहिए। मैं तो रेकमेंड करूँगा 3x4 का। और ये पैरोट केज है, स्टील का, स्टील केज है, स्टील का है, ये 1500 का है। और ये अफ्रीकन ग्रे रख सकते हैं आप इसमें, ये 2000 का है, ये हैवी है, इसका नीचे का ट्रे जो है फाइबर है,
इसका खाने का जो फीडिंग कप है वो भी फाइबर है, और उसमें बैठने के लिए जो दिया हुआ वो भी हैवी है। अच्छा, इनका ये निकलता नहीं है फीडिंग के लिए? फीडिंग के लिए निकलता है, सारे के जो सिस्टम होता है निकालने का। नहीं, नीचे का क्लीन, नीचे का ट्रे भी निकाल सकते हैं आप, ये नीचे का ट्रे पूरा होता है। सारे केज में सिस्टम रहता है केज निकालने, नीचे का ट्रे निकालने के लिए। तो ये था भाई हमारा फिश और बर्ड्स का वीडियो। एनी वन इंटरेस्टेड जस्ट कॉल हिम अप, डिलीवरी कर देंगे। और सिंगल चाहिए या ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जिस गेट टच विद हिम, नंबर स्क्रीन पर दिया गया। और शॉप टाइमिंग क्या है और कब खुला रहता है? शॉप टाइमिंग सुबह में 11 बजे से रात को 10:30 बजे तक, मॉर्निंग 11 और 10:30 PM। व्हाट डे आर यू क्लोज? क्लोज तो नहीं है, बट संडे को मेरा 11 से रात को 8 बजे तक ओपन है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर तो स्क्रीन पर लिखा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।